ग्यारहवीं बारहवीं जब थोड़े बोर्ड एग्जाम का चक्कर आ जाता है या हॉर्मोन्स की किन करते हैं उस समय बच्चों का कैसे ख्याल रखा जाए ताकि वो सक्षम बने। कुछ बच्चों को आपने देखा आज वाइटामिन्स करते हुए ताकि वो आगे चल के एक संयम अपना रखें, कामनेस रखें, खुशी अंदर से महसूस करने की वो आदत डाले। बच्चों के साथ होगा मैं टीचर के साथ बहुत ज़्यादा काम, बाकी हमारे ग्रामीण इलाकों में विलेज करने के हम बोलते हैं बहुत ताकत है। पैदावार कैसे बढ़ाना, पर्यावरण को कैसे संभालते रखना, शिक्षा को कैसे प्रमुखता देना, अपने लेडीज को कैसे आगे लाना, आशा आंगनबाड़ी को कैसे साथ निरंतर काम चल रहा है, कल यहाँ पे काफ़ी लोगों के आशा आंगनबाड़ी के लिए साथ ही इसके साथ हम लोग कॉलेज के साथ काम कर बाकी कॉर्पोरेट्स रेजिडेंशियल सोसाइटीज ये सब तो चलता रहता है। तो ये देखिए पर्यावरण में एक और बहुत बड़ी पहल हो रही है, करीबन 3 करोड़ वृक्षारोपण हमने पीड़ा उठाया, 30 मिलियन ट्रीज और उसमें आप ये जानिए कि हम लोग के करीबन 400 साल से पुराने वृक्ष 100 किलोमीटर दूर जहाँ खड़े गए थे विकास के लिए या डेवलपमेंट के लिए उनका दोबारा से हमने प्लांट किया, उसमें से सिर्फ एक ही बचना बाकी सारे बढ़िया आप तो ऐसे कई सारे वाले जो जो भी आपकी संस्था के साथ जुड़े हैं अगर जन कल्याण की आपकी रुचि है हम आपके साथ हैं और आपसे हम पैसे इतने सारे नहीं लेंगे, बिल्कुल भी नहीं लेंगे, बिल्कुल निःशुल्क काम करते हैं हम लोग क्योंकि सब उसी भाव से आए हैं कि जन सेवा करते हैं। मूल सिद्धांत हम लोग ये सब क्या कर रहे हैं आप देख लेंगे, सॉइल पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन है, नॉइज पोल्यूशन है। मूल पोल्यूशन पता है कौन सा? सैद्धांतिक रूप से थॉट पोल्यूशन, हमारी सोच में जहाँ पोल्यूशन आ जाती है ये सब बाकी पोल्यूशन उसके बाद चल रहे हैं। हार्टफुलनेस ने ये वीडियो उठाया कि सोच के पोल्यूशन को ठीक करना है, एक एक दिन के साथ जुड़ना है, हर दिन ध्यान, हर दिन ध्यान। इस कार्यक्रम में आप जितना हमारा सहयोग कर सके साथ जुड़ सके, सबसे अच्छा सहयोग ये है कि आप खुद नियमित रूप से अभ्यास कीजिए क्योंकि हम ठीक होंगे बहुत कुछ ठीक हो जाएगा। तो इसी आग्रह के साथ अभी जो हमारा मूल जो हमारा गिव अवे है या टेक अवे है वो ध्यान का है, तो हम कुछ देर ध्यान करेंगे आगे करूँगा वो ठीक से ध्यान का प्लीज ध्यान दिए थोड़ी देर में आप ध्यान करके देखिए अगर आपने नहीं सेवन किया ध्यान का तो आज ये भी शुक्रिया। आप सब आराम से बैठ जाएं। अगर किसी को चेयर पर बैठना है तो वो चेयर पर बैठ सकते हैं, अगर नीचे बैठने में प्रॉब्लम तो पैरों पर ही गिर जाएं। अपने पैरों की उंगलियों को हल्के से घुमाएं। अपनी ढीला छोड़ दें। महसूस करें कि धरती से स्वास्थ्य प्रदान करने वाली ऊर्जा आपके पैरों में प्रवेश कर रही है और आपके पंजों को और पैरों की उंगलियों को करेंगे।
ऊर्जा ऊपर की ओर आते हुए आपके काफ मसल्स को तनाव मुक्त कर रही है। तेजपाल सिंह जी को तेजपाल मास्टर के नाम से जाना जाता है। तेजपाल सिंह नागर उत्तर प्रदेश के एक भारतीय राजनीतिज्ञ हैं। 17वीं और 18वीं उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य हैं और वर्तमान में विधायक के रूप में मार्च 2017 से दादरी निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तेजपाल नागर भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं। आपका जन्म गौतम बुद्ध नगर जिले के ग्राम अखिलपुर जाने के गुजर परिवार में है। आपका बहुत बहुत स्वागत है आज यहाँ। रिलैक्सेशन हम थोड़ा सा आपको बता दें, अगर आप चाहते हैं, जैसे आपने यहाँ पे अभी मेडिटेशन किया और आप ये चाहते हैं कि आप घर बैठे भी इसका लाभ उठा सकें, तो हार्टफुल ऐप आप अपने मोबाइल पे डाउनलोड कर सकते हैं, किसी भी मोबाइल पे, एंड्रॉयड हो या एप्पल मोबाइल हो, और ये निःशुल्क है और आप घर बैठे इस ऐप से सिटिंग ले सकते हैं। इसके बाद मैं मदर सिस्टर से अनुरोध करूंगी, जैसा आप जानते हैं कि एक बच्चे को रेज करने के, बच्चे को बड़ा करने में ऐसा माना जाता है कि पूरी की पूरी गांव, जहाँ पे बच्चा रेज होता है पूरी गांव लग जाती है उसको बड़ा करने में। लेकिन आज हम देखते हैं कि बच्चे अपनी न्यूक्लियर फैमिली है, दादा दादी नाना नानी, जिनके बच्चे नहीं फील कर पाते कि रिश्ते क्या हैं, और कई बार ऐसा होता है कि हम भटक जाते हैं, हमें कोई मार्गदर्शन करने वाला नहीं होता, कोई ये बताने वाला नहीं होता कि क्या सही है क्या गलत है। और ये रीज़न है कि आज रिश्तों में बहुत ही दूरी आ गई है। इसी संदर्भ में हमारे जो स्पिरिचुअल मार्गदर्शक कमलेश जी पटेल ने एक बुक लिखी है जिसका नाम है द विजडम ब्रिज। मैं सिस्टर मधु से अनुरोध करूंगी कि वो तेजपाल सिंह नागर जी को ये भेंट करें। मधु बहन जी को विशेषकर जो इस संस्था की संस्थापक हैं, उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि वो प्रत्येक संडे में इस क्षेत्र के भाई बहनों का हर संडे में यहाँ पर योगा कराकर भाई और बहनों, मैं इस ध्यान के द्वारा, इस योग के द्वारा आज हमारा देश आगे बढ़ रहा है। देश में शरीर रोग मुक्त हो गए, आज कंपटीशन का दौर है। कंपटीशन में विश्व में भी कंपटीशन का दौर है और हमारे जो देश की यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी जो भारत को विश्व गुरु बनाना चाहते हैं, उस ध्यान के द्वारा और योग के द्वारा भारत विश्व गुरु का स्थान पाने के लिए अग्रसर है। आज प्रत्येक विकासशील देश और विकसित देशों ने हमारी इस पद्धति को बुलाया है और विश्व में इसकी प्रसिद्धि भी है और भारत विश्व गुरु की तरफ इस ध्यान के द्वारा, योग के द्वारा आगे बढ़ रहा है। मैं देरी से जरूर आया क्योंकि ऐसी व्यस्तता रह जाती हैं, यहाँ के बाद मुझे ग्रेटर नोएडा में जाना है, वहाँ से फोन आने से हो गए, विधायक जी 1 बजे कहा था आप आए नहीं, इसी तरह से शाम तक प्रोग्राम लगे हुए हैं, उसकी मैं क्षमा चाहता हूँ आपसे।
लेकिन मुझे बेहद खुशी है कि बहन जी के द्वारा ध्यान आकर्षित कर इस क्षेत्र को जागरूक करने का काम, इस क्षेत्र को योग बनाने का काम कर रही है। मैं आप सब बहनों भाइयों से आग्रह निवेदन करता हूँ कि आप बहन जी द्वारा जो कार्यक्रम चल रहा है इसके भागीदार बनो, इसके साझेदार बनो, इसमें हिस्सा लेकर इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाएं। देश में आपका बहुत धन्यवाद। एक किताब असलियत तो एक मैं एक अध्यापक हूँ, इंटरकॉलेज प्रिंसिपल रहा, लेकिन असलियत ये है कि इस जीवन में आकर के जो हम पढ़ाई किया करते थे, अध्यापक रह गए, स्टूडेंट रह गए तो पढ़ाई सब करते हैं, लेकिन अध्यापक रह गए जो अपने विषय के बारे में, अपने टॉपिक के बारे में और अन्य जो जनरल नॉलेज की बात है, जो बच्चों को संस्कार और शिक्षा दिया करते थे, उस पढ़ाई में वास्तव में कमी आ गई। अब पढ़ने का टाइम नहीं मिलता। लेकिन इस किताब में लिखा है कि द विजडम दृश्य आपके प्रियजनों के दिलों को छूने वाले जीवन के 9 सिद्धांत। कोई भी जीवन अगर सिद्धांत के बिगड़ दिया जाए तो बेकार है ऐसा जीवन, मानव का जीवन। 9 सिद्धांत लिखे हैं। मैं इस किताब को, मुझे लग रहा है देखने से, बताने से, इसको पढ़ने से बहुत ज्ञान प्राप्त होगा। और जो अगर जिंदगी में भटकाव आ गया, थोड़ा सा सिद्धांत भटकाव आ गया किसी कारण से, व्यस्तता के कारण, उसमें सुधार होगा। इसको मैं भी पढ़ूंगा और आप भी पढ़ना और जीवन सिद्धांत के साथ जीना, ये मैं आपसे व्यक्ति आपको विश्वास दिलाता हूँ। मैं इसे पूरी पढ़ूंगा और जो आपने 9 सिद्धांत की बात लिखी है अच्छी तरह से पढ़ूंगा। और देखिए हम पढ़ते कैसे हैं भाई, जब सुबह उठते हैं तो हम तो एक सामान्य परिवार के सदस्य हैं, दादी देहात है, भीड़ आ जाती है, नहाते हैं धोते हैं, थोड़ा बहुत पूजा वूजा करते हैं, कुछ करते हैं, थोड़ा सा पब्लिक से मिलते हैं, फिर उसके बाद निकल जाते हैं क्षेत्र में और घूमते रहते हैं। रात को 10-11-12 बजे तक घर में घुसते हैं, पढ़ने का समय नहीं मिलता। लेकिन मैं सफर में चलते चलते पढ़ूंगा और मुझे अपने एक मित्र की बात याद आई। एक मेरे मित्र हैं डॉक्टर विक्रम सिंह जी, जो डिग्री कॉलेज प्रोफेसर दादरी ज्योग्राफी के हेड हैं। वो अगर रात को 2-3 घंटे नहीं पढ़ेंगे तो उनको नींद नहीं आएगी। तो अध्ययन की आदत प्रत्येक मानव को होनी चाहिए, शिक्षा के बगैर कुछ नहीं है। अगर कोई आदमी ये समझे कि हम तो पढ़ लिए काफी, जीवन पर्यंत आदमी को शिक्षा देनी बदलती है, बदलते हुए परिवेश में आदमी को अध्ययन करते रहना चाहिए। इसमें जहाँ कमी है मैं कोशिश करूँगा कमी पूरी हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस पुस्तक को भेंट करने पर मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऊर्जा अपनी पेट और कमर की तरफ जाने दीजिए, आपकी पेट और कमर को रिलैक्स कर देंगे। महसूस करें कि स्वास्थ्य प्रदान करने वाली ऊर्जा आपकी पूरी पेट में फैलकर आपकी पूरी पेट को रिलैक्स करें। ऊर्जा भी पूरी छाती में फैली आपको रिलैक्स कर रही है। आपके कंधे पिघल रहे हैं ऐसा महसूस करें।
सुखद एहसास में विलीन है। अपनी ऊपरी बाहों को ढीला छोड़ें, ऊर्जा अपनी ऊपरी बाहों से होते हुए निचली बाहों को रिलैक्स कर रही है। वहां से हाथों तक, हाथों से उंगलियों के पोरों तक आपकी पूरी बाहें बिल्कुल तनाव मुक्त।